स्वीकार करना, नहीं करना, क्या निर्णय लेना और कब निर्णय लेना, ये अध्यक्ष जी के विवेक पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस्तीफे वापस लेने की बात अध्यक्ष जी के और विधायकों के बीच की है। विधायक जो उचित समझेंगे वैसा फैसला करेंगे। मुझे भी जानकारी मिली है कि विधायकों ने इस्तीफे वापस लिए हैं। मैं समझता हूँ कि इस बारे में शीघ्र ही अधिकृत रूप से स्थिति सामने आएगी। सर, ये राजस्थान में एक पॉलिटिक्स ये दिख रही है कि दबाव की इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स हावी हो रही है। पहले दबाव में इस्तीफे दिए, अब सरकार में मन को सही करने के लिए दबाव में इस्तीफे वापस लिए, ये एक नई बड़ी पार्टी देखने को मिली है राजस्थान में। देखिए, इस्तीफों की बात तो अलग है, लेकिन कोई एक ऐसा क्षण बताइए जब राजनीति में दबाव नहीं होते हो। कोई सरकार हो, किसी पार्टी की हो, कोई मुख्यमंत्री हो, दबाव और राजनीति का चोली दामन का साथ है। लेकिन दबाव में आके निर्णय करना वो दूसरी बात है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो निर्णय किए हैं, फ्लैगशिप योजनाओं की बात हो, लोगों को राहत देने की बात हो, सामाजिक योजनाओं की बात हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, OPS की बात हो, ये कोई दबाव में लिए गए निर्णय नहीं है। संवेदनशीलता ये कह सकता हूँ सरकार ने जो दिखाई है वो राजस्थान के अब तक के राजनीतिक इतिहास में उसको हम संवेदनशीलता का चरम कह सकते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए, उन सवा उनमें से 225-250 बच्चों को मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर भोजन कराया, उनके साथ में उनके सुख दुख बांटे, उनके साथी बने, उनके मित्र बने मुख्यमंत्री जी स्वयं, तो ये संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, चरम है संवेदनशीलता की। तो निर्णय दबाव तो हमेशा रहते हैं राजनीति में, लेकिन दबाव से ऊपर उठकर स्वयं विवेक से निर्णय लेना, संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना, विकास के लिए निर्णय लेना, राहत के लिए निर्णय लेना और सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए निर्णय लेना, ये राजस्थान की वर्तमान सरकार, राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पूरे 4 साल के दौरान संवेदनशीलता और ये विकास के प्रति एक जुनून और सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए राहत देने की जो बातें हैं उनके हर निर्णय में नजर आती है। इस्तीफा देने की हाँ, मेरी जानकारी में था वो, मैंने आपके सामने मैंने रखा। सर, एक छोटा सा सवाल ये है, विधानसभा का सत्र कॉल हो चुका है, सत्र राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री को जो चेहरा होता है और जो कैबिनेट होती है उसको अलाउ किया जाता है, या फिर इसके अंदर ऑप्शन होता है कि अगर कोई नई कैबिनेट भी आकर उसके अंदर वो शामिल हो सकती है, क्या नेतृत्व चेंज होने का कोई प्रोसेस होता है? मतलब जैसे आपने जाके स्पीकर को कहा है तो स्पीकर ने एज ए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये कहा है कि आप बजट देखो, राज्यपाल एक संस्था है और सरकार भी एक संस्था है, मुख्यमंत्री भी एक संस्था है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो सत्र शुरू होने वाला है 23 जनवरी को, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी बजट पेश करेंगे, राजस्थान की कांग्रेस सरकार जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाएगी और बजट बनाकर जनता को जो राहत देगी वो पिछले बजट से कम नहीं होगा, उससे अधिक ही होगा। सर, आप मुख्य सचेतक भी है, क्या ऐसा कोई प्रावधान है इस्तीफे देने वाले विधायक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, यदि वापस नहीं लेंगे तो उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता? देखिए, कई चीज़ों में जो स्थिति होती है वो सब हाइपोथेटिकल होती है, तो मुझे नहीं लगता कि सत्र में जिसका इस्तीफा, कई बार लोग सत्र के दौरान इस्तीफा दे देते हैं लेकिन मंजूर नहीं होता, तब सत्र के बैठकों में भाग लेते हैं, तो इस मामले में तो स्थिति में कोई विसंगति नहीं है। लेकिन फिर भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, मैं भी समझता हूं कि अगर सबके इस विधायक इस्तीफे वापस ले रहे हैं, मैं भी समझता हूं कि अगर विधायक इस्तीफे वापस लेंगे तो एक और अधिक अच्छा सौहार्द का सा माहौल रहेगा, खुशनुमा माहौल। आप भी इस्तीफा वापस ले रहे? मैं भी विचार कर रहा हूँ। आप भी लेंगे ना? हैं, इस्तीफा वापस लेंगे ना? लेने पर विचार कर रहे हैं?
सब कर रहे हैं तो सबके साथ मैं भी हूँ। सर वही सवाल रही है, मूल वजह खत्म हो रही कि नहीं, आपसी टकराव खत्म हो रहा है कि नहीं, ये मैसेज आपको मिल गया है कि भाई टीका वापस ले लो सब कुछ सही हो गया है? जनता को ये मैसेज मिल गया है, राहुल जी ने मैसेज दिया है, हमारे प्रभारी जी ने मैसेज दिया है, रंधावा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बाकी नेताओं ने कहा है कि राजस्थान में पूरी कांग्रेस एक है। और जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में निकली है और जिस भव्य जोरदार तरीके से निकली है वो कल्पना से भी ज़्यादा अच्छी निकली है। तो ये अपने आप में एक संदेश है और एक उक्ति कही थी अशोक गहलोत जी ने 2018 से पहले, चुनावों से पहले, आवाज़ एक खलक नकारा एक खुदा। तो खलक की क्या आवाज़ है? आवाज़ एक खलक नकारा एक खुदा। वो अपने आप में समझा दीजिए, इसका सारांश समझा दीजिए। जो जनता की आवाज होती है वही खुदा की आवाज होती है। जनता की आवाज अभी क्या है? जनता की आवाज भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ गई। जनता की आवाज है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई है। राहुल जी का जो नया अवतार भारत जोड़ो यात्रा से निखर के सामने आया है, प्रधानमंत्री जी सहित पूरी भाजपा उससे बौखलाई हुई है। राहुल जी हमेशा एक बात कहते हैं, हर चीज़ को सकारात्मक रूप से लेनी चाहिए। प्यार और सौहार्द की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात उन्होंने कही है। तो इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है और ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं आपको राजस्थान में लगातार इनकी अनवरतता देखने को मिलेगी। भाई साहब अभी भी दूसरा इन सब चीज़ों को लेकर के आपका क्या मानना है? मैं समझता हूँ कि हम सब पे हाईकमान की एडवाइजरी लागू है और मेरा आचरण उसी के अनुरूप रहेगा। क्या हाईकमान ने तय कर दिया है कि अब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा? सीधे सा सवाल, हाईकमान की एडवाइजरी मेरे पे निश्चित रूप से और पूरी तरीके से लागू होती है। क्योंकि इस्तीफे देने का कारण था जब राजस्थान में कुछ चेंजेस हो रहा था जिसके खिलाफ आप इस्तीफे दिए। काम इस सारे वापस ले रहे, इस सारे प्रकरण पे मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ कहने के लिए। कुछ था ही नहीं तो अकारण इस्तीफा देना और अकारण इस्तीफा वापस लेना, ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, ये हर कोई कह रहा है। इतना ज्यादा पार्टी इस चीजों को क्यों रोल आउट कर रही है? लोग बाग कई नेता दो दो स्थानों पर चुनाव लड़ते हैं, ये सोच के तो वो चुनाव नहीं लड़ते कि एक जगह हारेंगे और एक जगह जीतेंगे। इसी आशा के साथ चुनाव लड़ते हैं कि दोनों जगह जीतेंगे, और जब दोनों जगह जीतेंगे तो एक जगह इस्तीफा देना पड़ता है। लोकतंत्र में के अपनी कुछ परंपराएं हैं जो नियमों से बंधी हुई हैं, उन परंपराओं को सही गलत के दायरे से बाहर निकल के देखना चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूं इस्तीफों के बारे में। सर एक सवाल, आपके कदम कर दीजिए, बर्तन नहीं हो रहा है फिलहाल। बस मैंने कहा ना एडवाइजरी से बंधा हुआ हूं, तो एडवाइजरी से बंधा हुआ हूं, मैं अधिकृत नहीं हूं, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बारे में या हाईकमान के किसी निर्णय के बारे में टिप्पणी कर सकूं। हाईकमान के कहने से इस्तीफा वापस ले रहे हैं आप लोग? मैंने कहा ना सब एडवाइजरी से बंधे हुए। आपकी बात से संशय हो रहा है सर कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा अगर आपको? मैंने कहा ना मैं एडवाइजरी से बंधा हुआ हूँ, आप मुझसे कुछ भी आप पूछेंगे। क्या विधायक वही चाहते हैं जो 24 सितंबर को चाहते थे? 25 24। मैंने कहा ना एडवाइजरी सब पे लागू हो रही है और सब चीजों पर लागू हो रही है। हाईकमानी सर्वोपरि। सर एक सवाल मेरा, राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की कमी हो गई है, कई लोग दिन पे जा रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल डेप्यूटेशन भी मांग लिया है। आप लोग कह रहे हैं कि 323 अधिकारी ही हैं जबकि आपको 373 चाहिए, केंद्र बढ़ा नहीं रहा है, कैसे काम चलेगा आपका? देखिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा हक है हमको मिले, लेकिन केंद्र सरकार अगर कोई कमी भी रखती है तो भी हम काम चलाएंगे। हमारा जो प्रबंधन है, चाहे वो आर्थिक प्रबंधन हो, चाहे प्रशासनिक प्रबंधन हो,
वो देश के सारे राज्यों से बेहतर है। क्यों आपके आईएएस अधिकारी यहाँ से छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ क्यों काम नहीं करना चाह रहे, कोई समझ में आ रहा है? नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं लेता। जो अधिकारी दिल्ली जाते हैं उसका एक नियम है, उस नियम के तहत ही उनको दिल्ली जाने की परमिशन होती है। जो लोग दिल्ली में अधिकारी जाना चाहते हैं सेक्रेटरी लेवल पे कि उस और दूसरे जो केंद्र में जो पद हैं उनके लिए, उसके लिए उनके डेपुटेशन के कुछ नियम हैं और वो डेपुटेशन उनको अवेल करना ही करना पड़ता तभी वो वहाँ जा पाते हैं। इसके नियम हैं और उन सारे अधिकारी जो भी जा रहे हैं उन नियमों के तहत ही जा रहे हैं। लेकिन मंत्री अधिकारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे इसलिए नाराज होकर जा रहे हैं, ये बात देखा भी गया है? मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह की विसंगति है। छोटी मोटी कोई बातें आपस में होती रहती हैं लेकिन उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये कोई साधारण ये बात सब पे लागू हो रही है।